बेशक मेरे ख्वाजा को ख्याल मेरा आया है, बेशक मेरे ख्वाजा को ख्याल मेरा आया है, इसीलिए ख्वाजा ने मुझे अपने दर पे बुलाया है। बाय बाय गाइस। तुम क्या खाओगे इधर ये बताओ पहले। अम्मी जी आप क्या खाओगे? चाय, कॉफी और कुछ हल्का, कुछ भी ले आना, थोड़ा सा खा लेना। चलो हम लोग मिस्टर गाजी अचानक क्यों जा रहे हो आप? मन किया ओके, इसीलिए अचानक प्लान कर दिया है। क्या मालूम जाके ही जाके पता चलेगा ना, यही बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने बुलाया है। उठो, क्या है ये घर बना लिया तुमने? तीन सीट पे तुम सो गए अकेले? अच्छा, बड़े बड़े बंदे, क्या बात। चाय पानी कुछ चाहिए? के बाद हमने अपना सफ़र बहुत अच्छे से इंजॉय किया और हमने ऑर्डर किया मैगी, कॉफ़ी, और हम खाते पीते ही पहुँचे थे जयपुर तक। मतलब कि जब तक हम बैठे थे ना तब हम खाते पीते ही जा रहे थे, और इन्होंने मुझे इतना परेशान किया, मैं क्या बताऊँ। मतलब कि इतना, मतलब परेशानी, टॉर्चर किया है मुझे। टॉर्चर आगे देखो आप लोग, इन्होंने मुझे किस तरीके से टॉर्चर किया है। खाके मोटी होती जाओ, खिला रहे हो तो अभी तक मुझे बोल रहे थे मेरा मैगी का पूरा डब्बा ले लिया तुमने और खुद खा रहे हो, और मुझे बोल रहे हो मैं खा के मोटी हो जा रही हूँ, है ना? दुनिया के पहले आदमी हो तुम। अच्छा हाँ, जो बकरी खाना है कि नहीं खाना। और उसके बाद हमने लैंड किया जयपुर पे, और यहाँ पे अम्मी जी और ये आ रहे थे, और मैं कोई भी मोमेंट ना मिस नहीं करना चाहती थी। जो भी मोमेंट अम्मी जी के साथ मतलब स्पेंड कर रहे थे, मैं चाहती थी कि सारा कुछ मैं कैप्चर करूँ, और आगे वीडियो मैंने बहुत कोशिश की है सब कुछ कैप्चर करने की, क्योंकि अम्मी जी के साथ ये हमारा मे बी फर्स्ट ही ट्रेवल रहा है इस तरीके का, जब हम दोनों और अम्मी जी साथ में हैं। और इसीलिए मैं अपने बच्चों को भी अपने साथ लेके नहीं गई थी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब एक मतलब एजड है वो, तो उनकी तरफ पूरा फोकस देना पड़ता है, और फिर बच्चे भी ऐसे होते हैं कि उनको भी पूरा फोकस चाहिए होता है। तो इसलिए हमारा सडन प्लान जब बना कि हम जा रहे हैं, तब मेरा यही था कि ठीक है कोई बात नहीं, हम बच्चों को लेके नहीं चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये अजमेर से सलाम है आप लोगों को। मतलब हम अभी पहुँच चुके हैं अजमेर शरीफ, और यहाँ पे हमने होटल वगैरह ले लिया, हम फ्रेश हो गए हैं, और अभी मैं और गेसी, मतलब अभी टाइम हो रहा अराउंड 9:45, तो अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा दरगाह की तरफ, और अम्मी जी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हैं, तो उनको हमने बोला आप आराम करो, खाना वाना हम उनको खिला दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाएँगे दरबार थोड़ा सा मतलब ज़्यारत के लिए। वैसे तो दरबार बंद हो गया होगा, बट जो भी है मतलब बाहर से थोड़ा सा ज़्यारत करके आते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ पर देखो खाना पीना चल रहा है सबका, यही खा लोगे क्या? अम्मी जी को खाने दो ठीक से। हंसो हंसो, बोलो कुछ। सब तो आप जानते हैं। अच्छा है तो।
उसके बाद हम आगे थे दरगाह, और सच बता रही हूँ मतलब दरगाह में घुसने से ही इतना सुकून सा फील हो रहा था ना, मतलब मैं बता नहीं सकती कि ऐसा फील आता है यहाँ पे आने के बाद कि जिसकी कोई कीमत नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा सुकून नहीं मिल सकता जो सुकून मुझे यहाँ आके मिलता है। और जब तक हम आए थे, मैंने बताया जैसे दरबार बंद हो गया था, तो हम काफ़ी देर तक यहाँ पे बैठे रहे हम दोनों। उसके बाद मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ से जाने का, लग रहा था कि बस यहीं पे बैठे, तो काफ़ी रात तक हम लोग वहीं पे बैठे थे दोनों, दरबार के बाहर ही थे। और सच बता रही हूँ मतलब वाकई में अजमेर शरीफ आना ये वो दर है मतलब जिसके लिए सबकी चाहत होती है यहाँ पे आने की। और यहाँ पे हमारी खुश नसीबी है कि हम लोग का आना अचानक हुआ, ये गरीब नवाज का बुलावा था, और ये ऐसे ही बुलाते हैं, जिसको बुलाना होता है बस बुला लेते हैं, है कि नहीं ये जी? वही तो। मॉर्निंग में हम लोग आए ज़्यारत करने के लिए, और यहाँ पे हम लोग की ज़्यारत हो चुकी थी क्योंकि मज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पे फोटोग्राफी भी अलाउ नहीं है अंदर मज़ार के, तो मैंने मज़ार का तो कोई सीन लिया नहीं। लेकिन हम लोग ज़्यारत करने के बाद यहाँ पर बैठ के कवाली सुन, हाँ ये पानी मम्मी जी, ये तालाब है यहाँ पे, ताजिया पाक जो बनता है ना वो यहाँ पे ठंडा होता है। अस्सलाम वालेकुम, अभी अजमेर शरीफ की ज़्यारत हो चुकी है हमारी गरीब नवाज की। यहाँ से हम निकल रहे हैं सलवार शरीफ ख्वाजा फखरुद्दीन शाह चिश्ती के दरबार में, आप हमारे साथ जुड़े रहें, वहाँ आपकी भी ज़्यारत हो जाएगी। और हम पहुंच गए हैं सरवर शरीफ, और अब हम करेंगे यहाँ की ज़्यारत। और यहाँ का देखो ये जो गेट है ना, मतलब बुलंद दरवाज़ा ही बोलूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता, जो भी है जैसे कि अजमेर शरीफ का है उससे भी शायद काफ़ी बड़ा ये लगता है दूर से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैंने कैप्चर किया। और यहाँ हम लोग आ गए हैं सरवर शरीफ में, और अब जा रहे हैं अंदर मज़ार की ज़्यारत करने के लिए। अम्मी जी मेरे साथ हैं, गेजी हैं, अभी हाथ पैर धो रहे हैं, वो चलते हैं अंदर। सरवर शरीफ की ज़्यारत करने के बाद हम लोग जाएंगे मामू साहब की मज़ार पर, जो कि है सरवर के जस्ट अपोजिट में ही है, मतलब पीछे। और यहाँ पे अब हम जा रहे हैं सरवर शरीफ के पीछे यानी मामू साहब की मज़ार पर ज़्यारत करने के लिए। और यहाँ पे हमने तीनों मज़ार, यहाँ पे तीन मज़ार हैं जहाँ पे हमने तीनों की ज़्यारत की। और उसके बाद एक और मज़ार का हमें पता चला, वो मैं आपको भी आगे बताती हूँ, तो चलो। जब हम यहाँ सरवर आए, सरवर आने के बाद यहाँ पे मामू साहब की मज़ार पे आए, तब हमें पता चला कि यहाँ पे एक और मज़ार है जिनके बारे में आपको बताएंगे यहाँ के। नाम है आसिकी ख्वाजा शेख सूफी जलालुद्दीन पट्टी वाले बाबा। अच्छा ठीक है, ये पता चल गया क्योंकि बहुत सारे लोग सरवर आते हैं जो कि यहाँ का शायद नहीं पता है इसीलिए। अरे वो आप ये मज़ार की तरफ से ही यहाँ पे पीछे एक रास्ता है जहाँ पे एक और मज़ार है शायद, तो हम जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग। आप लोग जब सरवर आए तो यहाँ पे भी जरूर आना, मामा साहब के बगल में है। हाँ हाँ, सरवर शरीफ से निकलने के बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग आज ही तारागढ़ भी चले जाते हैं क्योंकि हमें जस्ट दो दिन के लिए ही रहना है यहाँ पे, तो हमने सोचा कि आज हम तारागढ़ की जितो जो भी मज़ार है, मतलब कि वहाँ पे नज़रगाह है इमाम हुसैन का और मीरा साहब की मज़ार है वहाँ, तो हमने सोचा वहाँ दोनों ज़्यारत कर लेते हैं वहाँ की। उसके बाद हम जो एक दिन बचेगा वो हम अजमेर शरीफ में, और अम्मी जी को आना सागर भी हमें घुमाना था, तो इसलिए हमने एक ही दिन में हमने तारागढ़, सरवर शरीफ और मतलब कि सबकी ज़्यारत हमने कर ली। अभी हमारे गाजी भाई आए कलकत्ता से, बारगाह में हाजिरी करेंगे हमारे साथ। मैं इनका दुआ को सैयद वासिफ हुसैन, आप सैयद हुसैन की बारगाह से।